अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा एक तरफ पेरीवाइज सेवन मैजिकल एम्बलम के पीछे पड़ा था, हाल ही में फ्रैंकलिन द ड्रीम फॉर लाइटर ने हाइजैक ऑफ द अर्थ को खत्म किया था। सब कुछ सही चल रहा था, फ्रैंकलिन को लग रहा था सब कुछ सही है, हमारे अर्थ के ऊपर अब कोई खतरा नहीं है, ना कोई यूनिवर्स से आने वाला है, ना कोई आउट ऑफ टाइमलाइन से आने वाला है। लेकिन उसको क्या पता था जब जब शहर में इतना सन्नाटा होता है तब कोई ना कोई खतरा धीरे धीरे करके पनपता है। इसीलिए फ्रैंकलिन को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसके शहर में और उसके पीछे क्या आने वाला है और उसका किसके साथ सामना पड़ने वाला है, उसके अपने ही उसके दुश्मन बनने वाले। अब देखेंगे कैसे फ्रैंकलिन उसका सामना करता है, क्या वो अपने से हार जाता है या उन्हें बचाता है। अब आगे वीडियो आप सब लोगों का स्वागत है और ब्रांड वीडियो के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, ट्रैफिक यहाँ पे जा चुका है और आप लोग भी जल्दी से जल्दी लाइक वाले बटन को दबा दो। आज का लाइक है 30,000 लाइक, आई होप आप करवा दोगे। वैसे मैं थोड़ा सा चिल कर रहा था, माउंटेन की तरफ घूमने के लिए गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सीधा यार मैं चिंचन और चौप के पास जाने वाला हूँ। मुझे पता नहीं यार चिंचन और पिंचन के साथ हो क्या रहा होगा क्योंकि यार हाल ही में उनका कॉल आया था लेकिन कॉल करने के बाद उन्होंने कोई बात ही नहीं की, कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन क्या गड़बड़ हो सकती है गाइस, सेवन मैजिकल एम्बलम तो अभी हाल ही में चल ही नहीं रहा और हाइजैक ऑफ द अर्थ के सारे मॉन्स्टर को हमने खत्म कर दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे मैंशन के ऊपर भी जाना था, चलो पहले काम करते गाइस। मैंशन के ऊपर जाते टोनी स्टार्क ने हम लोगों को हल का एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बुलाया है क्योंकि हल के ऊपर कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो रहा है उसके एटॉमिक बॉम्ब की वजह से। गाइस एक बार वो मिलिट्री बेस को बचाने के लिए गया था, वहां पे गाइस एटॉमिक ब्लास्ट हो गया था, उसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो गए और हल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। लेकिन आपको पता है यार हम लोग टीम फॉर लाइटर ने और तो और गाइस हमारे पास बहुत सारी पावर्स, इसीलिए हम लोगों ने हल को कैसे वैसे करके कैद कर लिया है और अब उसे ठीक करना है, उसके लिए हम लोगों को जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। और गाइस मुझे नहीं लगा हमारे पास ज्यादा समय है क्योंकि टोनी स्टार्क ने हमें जल्द से जल्द बुलाया, हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अगर वो वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो हल्क के साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसी बात का मुझे डर है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग उसे संभाल ही लेंगे। और आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ, हम लोगों को जल्दी जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, जल्दी सब्सक्राइब इट। अब जल्दी हम चलते हैं मैजिक के ऊपर और हमारे प्यारे हल्क को ठीक करेंगे। वैसे गाइस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, हम लोगों ने हाइजैक ऑफ द अर्थ के सारे विलन्स को खत्म कर दिया था, उसमें डॉक्टर हॉवर्ड भी था, लेकिन डॉक्टर हॉवर्ड हमें मिला नहीं है। उसको जो हमने मार दिया था उसकी ना बॉडी मिली है, उसका कोई आइडिया नहीं है। और तो और जितने भी सारे विलन्स थे गॉड टाइटन और आइस टाइटन उन्हें भी हम लोगों ने ब्लास्ट कर दिया था। मुझे लगा हम लोगों ने उन्हें टाइमलाइन के अंदर कैद कर दिया, लेकिन टोनी स्टार्क और हम लोगों ने टाइमलाइन के अंदर जाके चेक किया तो वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर और कोई भी विलन कैद नहीं था। लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लगा वो किसी और टाइमलाइन में गया होगा। लेकिन यार मुझे डर लग रहा है अगर वो लोग कैद नहीं हुए होंगे तो यार बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वैसे यार चलो जल्दी जल्दी हम लोग तो मैंशन के ऊपर पहुंच गए हैं। और मुझे एक और डाउट है, जो होलो स्पॉटर्स है वो अपने आप से ही कैसे हमें छोड़ के चले गए? और तो उनकी गाइस हमें वो जो व्हाइट कलर की बाइक मिली थी उसे भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सजा के रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज तो गाइस चिल का दिन है, बस हल को हमें ठीक करना है। फाइनली हम लोग अंदर की साइड पहुंच चुके हैं। ये क्या है टोनी स्टार्क? फ्रैंकलिन जल्दी आओ यार, गड़बड़ हो गई है। नहीं यार वो भाग गया, वो यहाँ पे नहीं है। क्या कहा? ओह शिट, हल भाग गया। हाँ वो भाग गया और तो उसका वो एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया, मैंने गलती से रेड बटन दबा दिया। हाँ गाइस यहाँ पे रेड बटन है और ये स्क्रीन को क्या हो गया, पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई है। अरे वो तुम्हें खत्म करने गया है, बचो बचो। क्या कहा टोनी स्टार्क? मुझे खत्म करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, टीम फोर लैंटर यानी फ्रैंकलिन यहाँ पे, किसको खत्म करने गया वो? ओह शिट गाइस सारे ग्रीन लैंटर्स यहाँ पे पड़े। अरे यार एक एक करके सारे बेहोश हो गए। वाडा पीछे रुक जाओ, थोर कैप्टन। अरे यार ग्रीन लैंटर, अरे बचाओ, अब उसे कोई ना कोई खत्म करेगा, बचाओ उसे। अरे बापले वांडा बीबी वो तो मरेगा। हाँ विजन बाबू वो मरेगा, लेकिन कौन मरेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार एक के बाद एक मुसीबत कहाँ से आ रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इस वजह से मेरा सर चकरा रहा है। अरे यार मेरी बात सुनो। क्या कहा? स्पाइडरमैन। अरे हाँ मैं यहाँ पे छुप गया था क्योंकि मेरे को ग्लिंचन का बचाना था। अरे हाँ फ्रैंकलिन अंकल मुझे इसने बचाया, इसके लिए शुक्रिया स्पाइडरमैन। अरे कोई बात नहीं। अरे यार वो खतले में, खतले में। किसकी बात कर रहा है वो तू बता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो यहाँ पे खड़े होते होते मेरा दिमाग सर चकरा रहा है यार, तुम जल्दी जल्दी बताओ कहाँ पे कौन खतरे में। अरे वो जो मेरी तरह दिखता है। क्या कह रहे ग्रिंचन, कौन तेरी तरह कौन दिखता है? ओ ओ ओ ओ नहीं नहीं गाइस ये नहीं हो सकता। ओ शिट शिंचन खतरे में। अरे हाँ हल्क उसको पकड़ ले गया है क्योंकि उसके पास ओमलेटिक्स है, हल्क को उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब करनी है। लेकिन हल्क विलन कैसे बना? अरे वो गलबल हो गई, हम लोगों ने गलती से दूसरा डीएनए डाल दिया, वो भी फीमेल हल्क का डीएनए डाल दिया। अरे जल्दी बचाओ शिंचन को नहीं तो वो मार देगा उसे। हाँ ग्रिंचन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके स्पाइडरमैन मेरे साथ चलो। अरे हाँ मैं आ रहा हूँ ग्रिंचन, यही मेरे को। अरे हाँ ओके मैं इन लोगों को जगाता हूँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी स्पाइडी आ जा। अरे जल्दी चलो, वो तुम्हारे गल की तरफ गया है, अगर उसने शिंचन को पकड़ लिया तो बहुत ही बुरा हो सकता है।
ओह नो यार गाइस, ये तो गड़बड़ हो गई है। अब जल्दी से जल्दी हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। स्पाइडरमैन क्या कह रहा है, किसी को भी बना सकता है, खत्म कर सकता है। गाइस ये वाली पावर तो सेवन मैजिकल एम्बलम के अंदर थे, क्या तुम लोगों ने गलती से सेवन मैजिकल एम्बलम वाला डीएनए तो डाल नहीं दिया? ले क्या कहा, सेवन मैजिकल एम्बलम वाला, वहाँ पे तो बहुत सारे एम्बलम थे जो कि शील्ड की तरह दिख रहे थे और उसके अंदर ऐसा डीएनए था जो उसकी वजह से हल्को बहुत सारी पावर मिली थी। पहला डाला तो वो पावरफुल बन गया। ओ नो यार, तुमने तो बहुत ही गड़बड़ कर दी, क्या तुमने सातों के साथों डाल दिए? अरे क्या कहा, सातों के साथों नहीं, हम लोगों को बस तीन मिले थे, तीन में से तीन हमने डाल दिए। ओ माय गॉड गाइस, तीनों सेवन मैजिकल एम्बलम हल्क के अंदर चले गए, उसका गाइस जिन लोगों ने डीएनए बना के हल्क के अंदर डाल दिया। इसका मतलब पेनीवाइज के पास चार मैजिकल एम्बलम हो चुके और डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके खिलाफ ही है। अब हमारा हल्क भी इसके अंदर शामिल हो चुका है। मुझे पता नहीं गाइस वो शिनचैन के साथ क्या कर रहा होगा, लेकिन हम लोगों को जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। शिनचैन मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब बहुत हो गया इन लोगों का, एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही है। अरे वाह, ये क्या है इतनी पाली तुमने, इसके ऊपर तो गाइस लाइक होना चाहिए। गाइस हम लोग वैसे भी अलग अलग कार्स यूज करने वाले हमारे मिशन के लिए, आप लोग चाहते हो हम लोग अलग अलग व्हीकल यूज करें, तो जल्दी से जल्दी नीचे 2000 कमेंट होने चाहिए। अरे हाँ जल्दी जल्दी यूज करो, इसकी वजह से हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कार से मिशन कम्प्लीट करेंगे और आप लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी कार्स मिलने वाली है। लेकिन यार मुझे गड़बड़ है मेरे भाई की, मुझे मेरे भाई को बचाना है। और तो चौप भी वहाँ पे, ओ शिट नहीं, मैं अपना पूरा घर ऐसे ही छोड़ के आ गया, मुझे लगा कोई खतरा नहीं है, ये तो खतरा आ गया। हमें गाइस अब यहाँ से जहाँ से रनिंग करते वही से अपनी कार को लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से लेफ्ट मारो, यहाँ से शॉट करते हैं। हाँ स्पाइडी ने सही कहा, अब यहाँ से मैं अपने मैंशन के ऊपर जल्द से जल्द पहुँचूंगा। मैं आ रहा हूँ भाइयों। अरे यार ये कैसे खतरा लगा ले, जल्दी जल्दी चलो। कोई बात नहीं, मेरे पास एक सुपर कार है, उसे लेके हम लोग बाद में चले जाएंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। वेयर इज द चॉप शिनचैन, हम आ गए, तुम ठीक तो हो? अरे यहाँ पे तो कोई भी जवाब नहीं देला। मुझे एक बार अंदर जाके देखने दो, यार ये गड़बड़ हो गई, मेरा पूरा घर गाइस यहाँ पे एम्प्टी है। इसका मतलब गाइस यहाँ पे हॉल का आ गया था, उसने शिनचैन को लेके गया और तो और भाई चॉप को भी लेके गया, चॉप तो यहाँ पे है ही नहीं। अरे अब हम क्या करेंगे? अब एक काम करते, टूरिस्टाक तो उठ ही गया होगा। अरे हाँ वो तो बेहोश थे, वो उठ गए। काम करता हूँ, उसी से पूछ लेता हूँ। टूरिस्टाक, ओ फ्रैंकलिन क्यों क्या? मुझे बताओ तुम्हें शिनचैन की कोई लोकेशन दिख रही है? मुझे उसकी लोकेशन तो नहीं दिख रही, लेकिन वहाँ पे हल्क जरूर है। ऐसी बात है, अब गाइस हम लोगों को हमारी स्पेशल व्हीकल को निकालना पड़ेगा। आ जाओ स्पाइडी। अरे ये क्या, ये कार तो इतनी मॉडिफाई कैसे हो गई? मैंने कहा था मेरी कार मॉडिफाई हो सकती है, अब जल्दी जल्दी बैठो, मुझे एक लोकेशन मिली है। गाइस ये रही वो लोकेशन, हमें कुछ भी करके उस लोकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। अरे जल्दी करो, वहाँ पे शिनचैन खतरे में हो सकता है। अरे हाँ स्पाइडरमैन तू सही कह रहा है, गाइस मुझे नहीं लगता यहाँ पे ओनली शिनचैन मुसीबत में, मुझे लगता है पूरा शहर फिर से मुसीबत में आ चुका है, क्योंकि मुझे लगा था ये सारे मैजिकल एम्बलम और पेनीवाइज अलग अलग डायमेंशन में जा चुके हैं, तो हमारे डायमेंशन को कोई भी खतरा नहीं था। अब मुझे ऐसा लगता है हमारे डायमेंशन को ज्यादा से ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो भी हल्क की वजह से, हल्क भी अब मैजिकल एम्बलम के पावर में आ चुका है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना पड़ेगा। आई थिंक यही से कैसे तो रास्ता था। ओके लेफ्ट या राइट, आई थिंक राइट था, पहाड़ों की तरफ गाइस लोकेशन दिखा रही है, हमें जल्द से जल्द पहाड़ों की तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके उसे बचाना पड़ेगा। नहीं यहाँ से आगे जाने के बाद 200 मीटर के ऊपर लिए, इसका मतलब यही पे कहीं पे। ओके फाइनली हम लोग पहुँचने वाले, आई थिंक ये वाला रास्ता, फाइनली हम लोग पहुँच गए। अरे लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हाँ वैसे तू सही कह रहा है, गाइस यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, हम लोगों को गलत लोकेशन दे दी टोनी स्टार्क ने। अरे जल्दी लोकेशन बताओ। स्पाइडी तुम जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे तुम्हारे पीछे। क्या कहा, हमारे पीछे? नहीं ये नहीं हो सकता, ये हल्क नहीं, ये चीज है क्या? अरे ये क्या, ये हल्क नहीं है, सच्ची में ये कुछ और ही है। सही कह रहे हो स्पाइडी, ये हमारा हल्क नहीं, ये कोई और चीज है। लेकिन ये चीज है क्या, तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने मेरे भाइयों को क्यों किडनैप किया, जल्दी बताओ। फ्रैंकलिन वो हल्क है। नहीं मैं हल्क को पहचानता हूँ, ये हल्क नहीं हो सकता, ये कुछ और ही चीज है, ये बस हल्क की तरह दिख रहा है। क्या कहा, ये हल्क की तरह है? इसका मतलब हम लोग जिसके ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे थे वो असलियत में हल्क है ही नहीं था। अरे हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि वो हल्क बहुत छोटा था और जो हमारा हल्क है वो शायद में बहुत बड़ा था। तुम हो कौन मुझे बताओ? बेटे कैसा लगा मेरा एक्सपेरिमेंट? अब मैं हूँ डॉक्टर हवर्डी, मैं चाहल जो तुम्हारा हल तुम ढूंढ रहे हो वो अब मर चुका है, उसकी बॉडी को मैंने पिघला के मेटल के साथ जोड़ दिया और बना दिया एक मैचा हल। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम्हारा भाई यानी शिनचैन पिनचैन अब सब लोग मरेंगे, मारो इन्हें और सारे मैजिकल एम्बलम ले लो इनसे। क्या कहा, मैजिकल एम्बलम हमारे पास नहीं है, स्पाइडर अब क्या करें? अरे ट्रांसफॉर्म। हाँ इवोल्यूशन। ओके तुम एक काम करो, शिनचैन को ढूंढने के लिए जाओ। अरे ओके मैं जा रहा हूँ।
तब तक मैं अपनी मॉडिफाइड व्हीकल के साथ इनका काम तमाम करता हूँ। ये क्या, तू हमें इस व्हीकल से हराएगा? ये नहीं, ये क्या, ग्रेड, फाइनली मैं अपग्रेड हो चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी करने वाला हूँ। अरे ये तो माइकल के पास था ना। हाँ मैंने उससे ले लिया है, मुझे लगा तारे सूट की मुझे आवश्यकता है। व्हाइट कॉस्मो क्लैटन ऑन दी मिशन, तुम्हारा खात्मा अब मेरे हाथों में। हमला करो, खत्म कर दो इससे सेना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तुम सबका खात्मा करने वाला हूँ। कहाँ पे भाग रहे हो? ये ले, मुझे बताओ तुम लोगों ने मेरे भाइयों के साथ क्या किया है। अरे फ्रैंकलिन, मैंने कोई एक लोकेशन मिली है, वहाँ पे कोई बंदी जीतते हल्का मचा ली है। जाओ वहाँ पे रोको उसे। टोनी तब तक तुम भी आ जाओ। भाई ये कुटा के आ रहा हूँ, ग्रीन लैंटर्न सूट जाओ। और क्रिश्चियन भी उसे खत्म करेगा, गाइस जल्दी जल्दी 30,000 लाइक कर दो। सही कहा, आज इनका काम तमाम करके रहेंगे। तुम लोगों का मैजिकल एम्ब्लम का किस्सा ही खत्म कर देते। तुम कैसे रोबोट से मुझे पता नहीं है, इतना तो पता चला। ये सब कुछ जो भी कर रहा है डॉक्टर हवॉर कर रहा है। डॉक्टर हवॉर, तुम अब मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। ये लो, कोई नहीं बचेगा, तुम सबका काम तमाम होगा। मेरी पावर्स भी डिस्चार्ज हो चुकी है गाइस। यार इतना व्हीकल मैंने चला लिया, अपनी जो मॉडिफाइड कार थी उसको मैंने इतना भगा लिया कि गाइस अब पूरी तरीके से फ्यूल एम्प्टी हो चुका है। हमें फ्यूल की जरूरत है, नहीं तो हम लोग इनका सामना नहीं कर पाएंगे। मैं से भागना पड़ेगा। मेरे को इनकी गोलियां लग रही है, और तो भाई पूरे पास भी लूज हो चुके। मुझे ऐसे भागना पड़ेगा, मैं वापस जुड़ रहूंगा डॉक्टर वॉर्ड। भाग गया डरपोक। हाँ मुझे भागना पड़ा क्योंकि मेरी पावर्स कम हो रही है। शिट, में गिर जाऊंगा तो मेरा पूरा कॉस्मो क्लैंड टूट जाएगा। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे फिर से मॉडिफाई होना पड़ेगा, वो भी व्हीकल के अंदर। फाइनली वन मिशन सक्सेसफुल। अब जल्दी जल्दी चलता हूँ, देखता हूँ स्पाइडरमैन इसका पीछा करने गया है, और हमारे अर्थ को फिर से कोई बड़े मॉन्स्टर ने कब्जा तो नहीं किया। अब मैं आ रहा हूँ दुनिया को इन बड़ी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। और गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, मैं 1,000,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचना है। सब्सक्राइब भी। अरे गाइस यहाँ पे मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ, अब मुझे जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ पहुँचना पड़ेगा। और देखता हूँ यहाँ पे सिंटेन कहाँ पे, लगता है मैं सही लोकेशन के ऊपर पहुँच चुका हूँ। चलते ओले, ये क्या चीज है? अरे बाप रे बाप, ये कौन सा मॉन्स्टर है? अरे यार ये तो शिनचैन है, और अब ये हमारा दुश्मन है। हम लोग कैसे इसका सामना करेंगे? कुत्ता मदीनी आला। अरे यार ये क्या हो गया, ना बाला बन गया। अब हम क्या करेंगे गाइस, इसको कैसे रोकेंगे? ये तो तबाही मचाला है। अरे अब मैं किसी को छोड़ने नहीं वाला, अब तो मैं बहुत ही खतरनाक बन चुका हूँ। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। अब पूरी दुनिया को तबाह करना यही मेरा काम है। मैं हूँ इविल शिनचैन, मैं तो बहुत ही क्यूट हूँ, लेकिन सबको खत्म कर दूंगा। कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उनका काम ही तमाम कर दूंगा। एक तरफ फ्रैंकलिन दुश्मन से लड़ रहा था, दूसरी तरफ अपने ही उसके दुश्मन बन चुके थे। अब इस सिचुएशन को फ्रैंकलिन कैसे हैंडल करेगा वो जानने के लिए आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, और आगे का पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। लाइक वाले बटन को ठोक दो, और बाय बाय।